आज हम लोग भंडारे की पूर्व संध्या पे बैठे हैं, तो सत्संग का प्रोग्राम तो विजय भाई ने कैंसिल कर दिया और मेरी क्लास लगा दिया। बोले जी, कुछ लोगों के सवाल हैं, उनके आप थोड़ी सी व्याख्या कर दो उनकी। तो मैं दोपहर से इसको कह रहा हूँ कि भी कौन कौन से सवाल हैं जी, अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ। जब मैं आके स्टेज पे बैठ गया, पर्चा मेरे सामने लाके रख दिया। आजकल आपको पता है, पिछले दिनों कुछ पेपर लीक हो गए थे एग्जाम देने से पहले, उन पे बहुत हंगामा मचा है। तो विजय भाई बोले पेपर लीक ना हो इसलिए बाद में दिया है, अब आपको यहीं बैठ के उसको हल करना है। तो चलो भाई, जितनी मेरी समझ है, मैं अपनी समझ के हिसाब से विजय भाई कि दिए हुए पेपर को हल करने का प्रयास करता हूँ। मैंने विजय भाई से पूछा कि भाई, ये जो भी सवाल हैं या जिज्ञासाएं हैं किसकी हैं? उसने बोला जी, आप इस चक्कर में मत पड़ो, किसकी हैं, सबकी हैं। मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ किस किस ने ये बताई है। तो मैंने विजय भाई की ये बात भी मानी, क्योंकि अगर पता चले किसकी है तो फिर उस आदमी के हिसाब से उसका जवाब दिया जा सकता है। अब विजय भाई ने बोल दिया सबकी हैं, तो फिर सबके हिसाब से उसका जवाब देना पड़ेगा। तो हम एक-एक करके जो भी प्रश्न है या जो जिज्ञासाएं हैं, मैं उसको पहले पढ़ के बताऊंगा और फिर जो मुझे सही लगता है मैं अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने पहले बताया, आवाज के बारे में जरूर आप अपना फीडबैक बिट्टू भाई को देते रहें, क्योंकि अभी टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, जो कुछ सुधार है वो कर सकते हैं। कल का सत्संग ठीक प्रकार से हो, आपका फीडबैक उसमें हमें मदद करेगा। तो पहला सवाल है कि कई बार जब हम ज्यादा देर तक बैठ करके सिमरन करते हैं, थक जाते हैं, तो क्या टांगे सीधी करके भी सिमरन कर सकते? तो इस प्रश्न का तो मैंने पहले भी कई बार जवाब दिया है, मैं थोड़ी सी फिर से व्याख्या कर दूं कि सिमरन हमको कैसे करना है। देखिए, सिमरन करने का जो तरीका हमको हमारे गुरु महाराज जी ने समझाया है, उसमें शरीर का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है। मुंह से बोल के भी सिमरन नहीं करना है, जबान से सिमरन नहीं करना है, सिमरन मन से करना है। तो जोर है मन के ऊपर, शरीर पे नहीं है। पर शरीर के बारे में क्या बोला है कि शरीर को स्थिर रखना है। तो स्थिर रख के जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में बैठें, और बैठ करके या सिमरन करें। तो क्या मैं टांगे चौड़ी करके, आगे टांगे लंबी करके सत्संग कर सिमरन कर सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं पलौथी लगा के बैठा और बहुत देर तक मैं उस आसन में नहीं बैठ पाया, थक गया हूं, अगर आपने अपना सिमरन का समय बढ़ा रहे हैं, तो मैं टांगे भी फैला करके सिमरन कर सकता हूं। मैं लेट करके भी सिमरन कर सकता हूं। कई बार बीमारी की वजह से, किसी और कारण से अगर मैं बैठ नहीं पा रहा हूं, तो मैं लेट के भी सिमरन कर सकता हूं। पर लेट के सिमरन करने का नुकसान भी है। वो क्या नुकसान है? मैं अपने हाथ में एक घड़ी बांध के रखता हूं, जो ये बताती है कि भी मेरा जो हार्ट बीट है वो कितनी है, स्ट्रेस लेवल कितना है। तो ये बताती है कि रात को मैं सोया हूं तो मेरी नींद कैसी है, गहरी नींद है, हल्की नींद है, सपने वाली नींद है। तो मैंने उसमें देखा कि जब बैठ के भजन करता हूं तो मुझे कहता है गहरी नींद में सो रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? जब मैं सुमरन करता हूं, सुमरन करते हुए मेरा थोड़ा सा अभ्यास बनने लगता है, तो शरीर की हालत नींद जैसी हो जाती है। जैसे नींद में आराम से शरीर को आराम मिलता है, तो भजन में भी आराम मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भजन करने वाले हैं उनकी नींद अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि शरीर को भजन में भी आराम मिलता है। तो अगर मैं लेट करके सिमरन कर रहा हूं, तो उसमें इस बात की संभावना है
कि मैं सो जाऊं और जब मेरा थोड़ी देर के बाद नींद खुले मैं सोचूं मैंने 1 घंटे बैठ के या 1 घंटे लेट के स्मरण किया है। तो लेट के स्मरण करने में ये नुकसान है कि आप सो जाओगे और सोचोगे स्मरण चल रहा है जबकि वो नींद थी। इसलिए बोलते हैं बैठो, बैठ के स्मरण करो। क्या मैं पीछे कमर का सहारा लेके स्मरण कर सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी यही समस्या है कि जब मैं कमर पर सहारा लेके सिमरन करता हूं तो नींद आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके लिए आपको देखना है, सबसे अच्छा है सुखासन में बैठो। अगर दिक्कत हो रही है कुर्सी पे बैठ जाओ, पर बार बार हिलना नहीं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये पहले प्रश्न के बारे में मैं अपनी तरफ से व्याख्या करने का प्रयास किया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अगर सपने में हम सपना देख रहे हैं तो सपने का पता ही चल जाता है कि सपना है, भले ही सपने में ना पता चले जब उठते हैं तब जरूर मालूम चलता है कि हाँ सपना देख रहा है। और बहुत बार तो सपने में ही मालूम चलता है कि मैं सपना देख रहा हूं। तो अगर सपने में ऊपर के मंडल दिखाई दें या सतगुरु दिखाई दें सपने में, क्या उसका भी कुछ लाभ है या हमारे मन मन की भटकन है? देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि सपने का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब सपना चल रहा है उस समय तो वो असलियत लगती है, उस टाइम सपना नहीं लगता, वो बिल्कुल असलियत लगती है। और उस टाइम ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमको मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, या कोई हमको सुख मिल रहा है तो उसका आनंद भी मिलता है। तो शरीर ने उसको भोगा, जब भोगा तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ा, तो सपने का असर हमारे ऊपर है। ये बात समझ में आई? जब असर सपने का हमारे ऊपर है और अगर सपने में हमें गुरु जी दिखाई दिए तो उसका असर हमारे ऊपर क्या होगा? तो सपने में इन चीजों का दिखना, जैसे गलत चीजों का दिखना हमारे अच्छा नहीं है, सपने में गुरु जी का दिखना, सपने में ऊपर के मंडलों का दिखना, सपने में जो जिस रूप में भी हम भगवान को पूजते हैं उन चीजों का घटना हमारे लिए अच्छा है। सपने नहीं भूलते हैं। देखिए, बहुत से सपने ऐसे होंगे जो आपको कई कई दिनों तक याद रहते हैं या कई कई महीनों तक, साल तक भी याद रहते हैं। कितना पुराना सपना याद है दीदी आपको? हाँ जी, अब भी याद है। तो एक सपना दीदी ने बचपन में कभी देखा, अभी तक याद है कि भाई उसमें इन्होंने सिद्धि महाराज देखे, उनका रूहानी रूप था, आज तक याद है। क्योंकि कौन सी चीज याद रहने वाली है जो दिल को बहुत अच्छी लगे या दिल में कोई चोट पहुंचाए? जैसे मुझे भी एक सपना याद है, जब महाराज जी पूरे हो गए, पूरा होने के 1 महीने बाद की बात है, वो सपना है ये, मतलब ये असलियत नहीं है क्योंकि महाराज जी तो पूरे हो गए थे। आज भी मुझे अच्छी तरह याद है दोबारा से, कि जैसे महाराज जी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? सचरौली में। दिव्य को तो मैंने पहले भी कई बार बताया है, वो कचरौली में जहां महाराज जी के जो पुराने सत्संगी हैं जिन्होंने महाराज जी से नाम लिया हुआ है उनको वो जगह याद है। महाराज जी के पीछे, वो पीछे की दीवार कच्ची हुआ करती थी, उस दीवार में एक आला बना हुआ था और महाराज जी वहां बैठे हैं, मैं आगे बैठा हूं। अब ये मेरे ध्यान नहीं कि मेरे आसपास कोई और सत्संगी भी बैठा है, नहीं बैठा है। उस आले में एक रेडियो रखा है जिसमें से कुछ आवाज आ रही, पर वो जो दीवारें हैं, जो छत है, जो फर्श है, उसका रंग जैसे इंद्रधनुष का रंग होता है, जैसे पानी में तेल डाल देते हैं तो कई रंग दिखाई देते हैं, रंग बिरंगा दिखता है, ऐसा सुंदर रंग उस कमरे का हो रहा है। महाराज जी बैठे हैं, मैं आगे बैठा हूं, मेरा मन करता है महाराज जी रेडियो मुझे दे दें। मैं तो सोच ही रहा हूं सपने में, वो महाराज जी वो रेडियो उठा के मुझे दे देते हैं, ले ये रेडियो। तो अब वो सपना मुझे कितनी
पुरानी बात हो गई जी, ये 78 में देखा था, मतलब आप लगा लीजिए 50 साल से ऊपर हो गया। आज तक मुझे ऐसा है कि जैसे मैंने ये अभी देखा, वो उसका असर ही मुझे आज भी महसूस होता है। तो सपने में अगर हमने कोई आध्यात्मिक मंडल देखा, या हमने कोई ध्वनि सुनी, प्रकाश देखा, या हमने कोई अच्छी अनुभूति की, वो हमारे ऊपर पॉजिटिव असर डालती है, हमें लाभ देती है। तो चाहे वैसे नहीं देखा भाई, वैसे भजन में नहीं कुछ मिला, कम से कम सपने में मिल गया, यही बहुत है। तो ये अच्छी चीज अगर हमें ऐसा होता है। और काश हर रोज जो बेकार के सपने आने से ऐसे सपने आते रहे, महाराज जी के सपने आए। अब हम तीसरे, मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी विजय भाई के साथ बात हुई थी कि सबसे सवाल ले लो, और विजय भाई ने तो मुझे 12 बजे तक का टाइम दे रखा है, इतना टाइम तो मैं नहीं लेने का, क्योंकि कल को भंडारा भी है। पर विजय भाई को मैंने कहा था, देखो भाई जब ये प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूंगा तो मेरा काम खत्म हो गया, कि मेरा दूसरा काम शुरू होगा, ठीक है ना विजय भाई? दूसरा काम क्या है मैं पूछूंगा, फिर आप बताओगे सबके सब, ठीक है ना? तो अभी आपके जो जिज्ञासाएं हैं, मैं उसका व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी जिज्ञासाएं रखूंगा, और आप में से बारी बारी से सब लोग उसकी व्याख्या करेंगे। तीसरा सवाल है, अब जैसे हम बैठते हैं, संक्रांत आती है, तो उसके विषय में किसी ने कहा है कि महीने में हमारा एक दिन साध संग में अच्छे तरीके से व्यतीत होता है, पूरा दिन भजन सिमरन में, गुरु भक्ति की चर्चा में, सत्संग में गुजारते हैं, और हमारे पे बड़ा अच्छा उसका असर पड़ता है। ये क्या बिताया हुआ समय हमारे देखे में जाएगा? देखिए, एक बात तो यह है कि बड़ा अच्छा समय बीता, तो हम पहले तो ये समझ लें कि कम से कम एक दिन तो संसार के झगड़ों से दूर रहे, दिन में बिना बात की चर्चा में हमारा समय व्यर्थ होता है, कर्मों का बोझ हमारे ऊपर पड़ता है, एक दिन के लिए तो बचा हुआ, पहला लाभ तो ये लाभ कब रहेगा, ज्यादा देर तक कब असर करेंगे? तो हमारे भाई अवतार भाई बता रहे थे कि भी पिछला जब सत्संग नीचे गुफा में हुआ, इनका आवाज बड़ी अच्छी थी, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ कैसी आवाज आ रही। बोले नीचे आवाज ही बड़ी अच्छी थी, सत्संग में रस भी बहुत आ रहा था, बस बीच में ही आपने राधा स्वामी कर दिया और रस वहीं अच्छा लग रहा था सत्संग में। तो वहां तक तो बड़ा आनंद आया, उसके बाद तो आपको पता है हम क्या करते हैं जी, इनका उठते हैं तो कपड़े झाड़ लेते हैं, यहाँ को मिट्टी माट्टी न रह जाए हमारे ऊपर, तो सत्संग की बात को वहीं छोड़ के चल पड़ते। उन्होंने ये बात मजाक में बोली है, विजय भाई आपको पता है उतार ऐसा नहीं करते हैं, वो तो चीजों को गांठ में बांध के चलते हैं, यहाँ मुश्किल से थोड़े से जीव ऐसे होंगे जो नित्य नेम से सुबह उठ करके अमृत वेला में सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, अवतार भाई उनके। वो उनका कहना ये है कि परमात्मा तो अपना काम कर रहा है, वो सुबह हमको उठा रहा है, हमारी आंख खोलेगा, हमको पेशाब का प्रेशर बनेगा उस चक्कर में उठेंगे, मंदिर की घंटी बज जाएगी वो सुनाई देगी उस चक्कर में उठेंगे, उसके बाद हो जाएगी थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, ऑफिस हो जाते हैं। तो अमृत वेला में गुरु महाराज ने तो उठाने की व्यवस्था की, पर हमने भी कहा कि हमारी यारी अभी काल के साथ है, तो हम तो अभी सोएंगे। तो सत्संग का लाभ हमारे लेखे में है, बट अगर उस लेखे को बड़ा करना है, उसका लाभ ज्यादा उठाना है, तो जैसे मैं हर बार ही कहता हूं कि उसमें से जो भी बात अच्छी लगी है उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करो, उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। वो थोड़ी सी बात, अगला सवाल आएगा वहां से भी जुड़ी हुई है, इस बात की थोड़ी सी व्याख्या मैं अगले सवाल के बीच में करूंगा।
और वो दो तीन सवाल हैं, मैं उनको मिला रहा हूं एक साथ। हम देखते हैं डेरे में कि हम आते हैं जी यहां पर, मेरा मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है, घर में भी अशांत है। मैं यहां इसलिए आया था कि यहाँ के मन को कुछ शांति मिले, यहाँ भी मन अशांत। सेवा भी बहुत करते हैं या करती हूँ, जो भी जिसका भी होगा मुझे पता नहीं, भी जगह ने बताया नहीं है, उसके बावजूद भी मन मेरा अशांत रहता है। मेरा तो रहता ही है, मैं ये देखता हूँ कि डेरे में मेरे से भी पुराने पुराने बहुत से सत्संगी हैं, उनकी हालत भी मेरे, चलो मैं उनकी बात तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी बात कर दी उसने, वैसे उनके बारे में कह भी दिया, आगे कह दिया कि चलो मैं उनकी बात नहीं करता हूं। जैसे हम कहीं बैठते हैं, पूरी राम कहानी होगी, फिर बोलेंगे चलो हमें क्या लेना है, अगर हमको लेना नहीं तो बात क्यों करी भाई, तो बात करी इसका मतलब लेना, तो ये कहने से काम नहीं चलेगा, चलो मैं उनकी बात नहीं करता हूं, इसका मतलब हम अपने आप को उसमें उलझा रहे हैं। मैं तो अपने बारे में जानना चाहता हूं कि क्या ये मेरे कर्मों का खेल है, और क्या मेरे से सेवा ठीक से नहीं बनती है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे पे दया। अब कई सवाल है, मैं एक एक सवाल का जवाब दे दूं। एक तो किसी दूसरे का मन शांत है या अशांत है, ये देखने का काम मेरा नहीं, मेरी आधी से ज्यादा जो परेशानियां हैं वो इसलिए हैं कि मैं दूसरे को देखता हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि यहां गुरु जी ने जो भी व्यवस्था की है वो किसको सुधारने के लिए की है, सत्संगियों को, मेरे को। तो अगर मैं यहां बैठ के सत्संग कर रहा हूं तो गुरु महाराज जी ने मुझसे सत्संग करने के लिए इसलिए बोला है ताकि मैं अपने आप को सुधार सकूं। आप बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं वो इसलिए हैं ताकि आप अपने आप को सुधार सकें। तो हमें ध्यान अपने ऊपर देना है, अपने ऊपर देना है, दूसरों का मन शांत है या अशांत है वो उनके लिए छोड़ देते, अपने बारे में सोच। तो एक बात तो ये हो गई, और जब मैं अपने बारे में सोच रहा हूं कि मैं सेवा तो बहुत करता हूं, अब इस चीज को भी थोड़ा आप समझ लीजिए। सेवा मान लिया, मैं पानी पिला रहा हूं या मैं खाना खिला रहा हूं, सेवा ये नहीं है कि मैंने खाना खिलाया, सेवा ये है ये काम करते हुए मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं। खेल सारा मन का है, जो भी चीज पे देना है अपने मन पे देना है। अगर मन खराब है तो सेवा की कराई बेकार हो गई। कहते हैं जब अहंकार आया, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार का मतलब मैं, जब मैं सेवा कर रहा हूं, किसी ने मेरे से कुछ मांग लिया, मैं पानी पिला, अभी क्या बाद में दूंगा। डेरे में आकर के मेरे में क्या आनी चाहिए, नम्रता। और नम्रता आती है तो क्या होता है, आदमी झुकता है, पेड़ है, जब फल आता है तो पेड़ झुकता है, ऐसा नहीं फल आने के बाद वो ऐसे आके खड़ा हो जाता है। और हम लोग कैसे हैं, जरा सा कुछ आया और हम ऐंठ के खड़े हो गए। तो कहते हैं खेल सारा मेरे मन का है, तो जब मैं सेवा करूं उस सेवा का लाभ उठाना चाहूं तो मुझे अपने मन के भाव बदलने चाहिए। अभी हम श्याम किसी से बात कर रहे थे, एक सत्संगी से, उसने कहा जी मैं तो अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहा हूं, मैं तो किसी के अंडर में हूं, क्योंकि हमने कुछ को जत्थेदार बना रखा है, कुछ को उन जत्थेदारों के साथ काम करने पे लगाया है। तो उसने कहा जी मेरा तो अपने जत्थेदार को ढंग से चाय भी पिलाता हूं, सब कुछ करता हूं। मैंने कहा कि किसी को जत्थेदार, किसी को सत्संगी, किसी को कुछ मत समझो। जब मैं चाय किसी को पिला रहा हूं तो कौन है वो, गुरु का प्यारा है, मेरा तो गुरु है। मैं कहता हूं हर सत्संगी में अपने गुरु को देखो, यहां सेवा करने आए हैं तो
तो सेवा करते हुए जब हरे के अंदर आपको अपने गुरु की झलक दिखाई देगी, अगर उसको पानी भी पिलाओगे तो ऐसा लगेगा गुरु ने पानी पी लिया। फिर कई बार कोई आदमी गलती करता है, आप उसे डांट देते हो, और जो गुरु गलती भी कर दे तो भी चुप रहते हैं। तो अगर किसी ने कुछ कर भी दिया है, ये मान के कि पता नहीं इनकी क्या मर्जी है मेरे शहंशाह की, दिल पे नहीं लेना, ये नम्रता की निशानी है। तो अगर मेरी सेवा इस प्रकार की है तो उस सेवा का लाभ निश्चित तौर से मिलेगा, मेरे अंदर की मलिनता जाएगी, मन निर्मल होगा, मन के भाव सही होंगे, और जब मन के भाव सही होंगे तो सेवा का लाभ निश्चित तौर से मुझको मिलेगा और ये मेरे लेखे में जाएगी। और उनका आखिरी था कि मेरी प्रार्थना है कि अपनी दया मेहर से मेरे मन को शांत कर। देखो महाराज जी ने मन को शांत करने का तरीका बता दिया, गुरु जी बार बार अपने सत्संग में उन बातों को बता चुके हैं। और मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मैं कहा कि मैंने अपना बर्तन साफ किया, यहाँ पे आए, देखिए प्रयास किया, यहां तक आया, सेवा भी कुछ की, कुछ ना कुछ तो किया, ऐसे किया कि बर्तन को साफ करके रख दिया, बस उसमें अमृत डाल के पीने का प्रयास नहीं कर रहे। बर्तन कितना भी साफ हो जाए, लाभ तो मिला, पहले गंदा पड़ा था अब चमक गया, तो पूरा लाभ नहीं उठा पाए। तो पूरा लाभ हमको उठाना चाहिए, अपने मन को साफ निर्मल करना चाहिए, ताकि हमारी की गई सेवाएं हमारे लेखे में जाए। और हमारा इस देखिए एक बात है, हम डेरे में किस लाते हैं, बब्बू मैं फिर भूल गया आपने कल बताया था, आवाज जारी पीछे तक जोर जो इधर मुंह करके बोल दो एक बार। तो हम डेरे में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आए, भजन सिमरन करने के लिए आए, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो जितने भी इंतजाम ये हो रहे हैं, हमारा भजन सिमरन ठीक हो। भजन सिमरन जैसे इसमें सवाल भी था कि बन नहीं रहा है, क्योंकि मन निर्मल नहीं है। मन को निर्मल करने के लिए, उसमें नम्रता लाने के लिए ये सारी व्यवस्था है। तो भजन सिमरन तभी बनेगा मेरा जब मैं अपने मन में नम्रता ला सकूं। देखिए जैसे रात में हम बात कर रहे थे कि भी अभ्यास करने के तीन स्टेज है, सिमरन करना, ध्यान करना और भजन करना, शब्द सुनना। तो जो हम सिमरन करते हैं, हम अपने आत्मा को, जिसका फैलाव इस समय पूरे शरीर में है, जिसका केंद्र दोनों आंखों के मध्य में है, इस फैली हुई सूरत को, इस फैली हुई आत्मा को सिमरन के माध्यम से यहाँ इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, ताकि ये अपने स्थान तक पहुंच सके। और ध्यान के माध्यम से इसको यहाँ रोकने का प्रयास करते हैं, आ तो गई फिर चली जाएगी, यहाँ रुकी रहे। और ध्यान करने की एक विशेषता होती है, जिसका ध्यान करोगे हमारे अंदर उसके गुण प्रगट होने शुरू हो जाएंगे। अगर परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर प्रगट होने शुरू हो जाएंगे। अब जो भी गुण आप परमात्मा में मानते हो कि वो दयावान है, हमने बहुत पाप कर रखे हैं, वो उन सबको माफ कर दे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भी ऐसा बनना पड़ेगा कि जो दूसरे लोगों ने हमारे साथ गलत किया हुआ है, हम उसको भी अगर माफ नहीं करते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, बीती ताहे विसार दे आगे की सुध ले, पिछली बातों को छोड़ दो, आगे के बारे में सोचो। तो अगर आगे के बारे में सोचना है तो परमात्मा का एक गुण कि वो दयावान, दयावान उसको बोलते हैं कि जो लोगों की गलतियों को माफ कर दे। तो ऐसे गुण हमारे अंदर प्रकट होंगे जब हम सतगुरु का, परमात्मा का ध्यान करेंगे, और फिर हमारी आत्मा उस शब्द को सुनने के लायक बनेगी। और जब उस शब्द को सुनने के लायक बनेगी, तभी सही माने में हम ये कह सकते हैं हम सूरत शब्द योग का अभ्यास कर रहे हैं।
आदि सुरत का नाम, स्वामी आदि सबद निज धाम, सुरत सबद और सूरत शब्द और क्या लाइन थी जी, आपको तो याद रहती है सब कुछ, एक कर जाए। तो जो राधा स्वामी वर्ड है, राधा मतलब सूरत और स्वामी यानी कि परमात्मा, तो सही मायने में हम राधा स्वामी कहने के लायक बनेंगे। उसके लिए जरूरी है कि हमारा मन निर्मल हो और हम अपने मन में नम्रता का भाव लाएं, हम सत्संगियों में भेदभाव करना बंद कर दें। जब सत्संगियों में भेदभाव करना बंद करेंगे, तभी बाहर संसार में जाकर के भी हम वो चीज अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो थोड़े से सत्संगियों में भी हम भेदभाव कर रहे हैं, तो बाहर जाके संसार में कैसे हमारा काम चलेगा। हम सबको पता है कि संसार में तो कितना जाकर के झूठ फ्रेब, उसके बिना काम ही नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं तो हमारे व्यवहार में भी वो चीजें असर डालती हैं। इसलिए बोलते हैं कि सत्संगी की रहनी सहनी बाकी संसारी जीवों से अलग होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि कई बार मन बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, तो जो भी ये सत्संगी है उसने कहा कि मैं तो अपनी बात विजय भाई से कर लेता हूं। मन थोड़ा सा हल्का भी होता है, आराम सा भी मिलता है, और ये बात सही है। जब मैं परेशानी में हूं, कोई भी आदमी और कोई अपना प्यारा मिल जाए, उसको कहने मात्र से दिल हल्का हो जाता है, सबका अनुभव है। तो मन तो हल्का हो गया, अब दूसरी समस्या पैदा होगी, उस समस्या के बारे में उन्होंने लिखा। मन हल्का वह परेशानी तो कम हो जाती है, लेकिन चिंता ये रहती है कि कहीं विजय भाई को तो इसको भुगतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरा मन हल्का कर दिया। तो इस बात को भी थोड़ा अच्छी तरह समझ लो। और जो भजनानंदी जीव हैं उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि भजन की दौलत को लूटने वाले लुटेरे चारों तरफ घूम रहे। अब अगर मेरा सामान बड़ा ही चौकसी के साथ तालों में बंद है तो शायद कोई ना निकाल पाए, पर अगर जरा सा भी खुला है तो लूट के ले जाने वाले लोग बहुत बैठे। तो ये किस पे निर्भर करता है? उसने तो अपना काम कर लिया, अब ये विजय भाई पे, विजय भाई तो उन्होंने एक उदाहरण लिया है, गुलाब भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब देखिए थोड़ा सा मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ दिक्कत नहीं। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि भाई मैं तो ऐसा है जैसे एक शीशा होता है, मिरर लगा होता है। जैसे उस बहन ने अपनी बात विजय भाई या भाई ने अपनी बात विजय को बताई और मन हल्का हो गया, क्योंकि एक सुनने वाला था। अगर वही काम वो गुरु जी के सामने बैठ के, जहां गुरु जी की फोटो लगी हुई है, कर लेती तो भी इतना ही आराम मिलता, करके देख लेना। अगर हम मिरर में देखें, वहां कोई बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है जो शीशे में जाके बैठेंगे? हम हमी है ना, उसे हम ना मानो, ये मान लो कोई दूसरा है, उसको कह के देखो, मन हल्का हो जाएगा। हल्का इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पता है हम बैठे हैं, हमारे पास तो कोई भी ताकत नहीं है। ये भूल जाते हैं कि जो पावर, जो परम पिता परमात्मा विजय के अंदर बैठा है, वो मेरे अंदर भी बैठा है, वही ताकत मेरे पास भी है। मेरी सोई पड़ी है, विजय भाई की जागी पड़ी है, शीशे की तरह है, मैं शिष्य की तरह हूं। जब आप अपनी बात बोलते हो, अपनी बात बोलते बोलते ही आपको अपनी परेशानी में से अपनी बात का समाधान मिल जाता है कि कैसे आपकी परेशानी कम हो सकती है। अगर विजय भाई आपकी परेशानियों में शामिल हो गए तो विजय भाई का नुकसान होना पक्का, क्योंकि आपकी गठरी को उन्होंने अपने सिर पे रखी। कई बार भजनंदी होते हैं ना लोग, गए जैसे बाबा खजांती जी थे हमारे, बेचारे बड़े दयालु थे,
मदद करने वाले थे। क्यों सरला, जाके पांव पकड़े, कहेंगे अच्छा हो जाएगा, जा काम हो जाएगा। अब काम कैसे हो जाएगा जी, वो किसी ना किसी को तो उस काम का भुगतान करना है। मैंने नहीं किया, मैंने अपनी मुसीबत उनके ऊपर डाल दी। जब भजनानंदी जीव किसी दूसरे को इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, तो इसका मतलब है उसके कर्म बोझ को अपने ऊपर उठा लेते। सत्संगी जीव को इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि जब उसका भजन बनने लगता है तो उसके मन में इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने किए हुए भजन के माध्यम से दूसरे जीवों की मदद कर देता है। हिसाब तो देना पड़ेगा, कोई हो, संत हो, छोटा हो, बड़ा हो। मैंने पहले भी कहा, स्वामी श्री दयाल सिंह जी महाराज जो इस राधा स्वामी मत के संस्थापक हैं, उनके जीवन की घटना है। अपनी ससुराल में थे, अपनी ससुराल में गए हुए थे, उनके साले का बच्चा था, एक ही बच्चा था, बच्चा बीमार हो गया, पत्नी भी साथ में थी। तो साला और उसकी पत्नी कहने लगी, ये तो महात्मा है, ये तो पता नहीं किस किस को आशीर्वाद देते रहते हैं, इनसे जाके प्रार्थना कर दो तुम्हारा बच्चा बच जाए। जो राधा जी हैं वो उनके पास गई, जाके कहती हैं जी एक ही बच्चा है उनके, तो कुछ तो कर दो उनके ऊपर। उनका बोल क्या कर दो, जितने साल कहेगी अपनी आयु में से निकाल के उतने साल उस बच्चे को दे दो, उतने साल बच्चा जी लेगा, मैं उतना जल्दी चला जाऊंगा, इतना कर सकता हूं, अब तू साल बता दे। किसी ना किसी को तो वहां हिसाब पूरा करना है, उससे कोई नहीं बच सकता। काल के पास तो लिखा है, जैसे होता है बैंक में से पैसे लिए हैं तो चुकाने तो है ना। तो अगर भजनानंदी जीव है, उसने कुछ दौलत इकट्ठी की है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, और वो और चीजों में उलझ गया, तो वो खजाना जितने कहूंगा एक बार में खाली हो गया, धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। लूटने वाले बहुत हैं, एक का काम बन जाए, वो कहे विजय भाई हैं, गुलाब भाई हैं, जाके पांव पकड़ लिए, छोड़िए ना तब तक जब तक वो हाँ ना कर दे। और मजबूरी में हम भी ऐसे हैं, चल भाई, तो नुकसान होना तय है। सत्संगी को इन चीजों से बचना है। हमारे पे अपना ही वजन बहुत पड़ा है, अपना ही बोझ बहुत सारा है। इसलिए बोलते हैं कि जिसका भजन सिमरन बन रहा है, कहते हैं ये तो ऐसे है, इसकी तो खुशबू भी नहीं निकलनी चाहिए, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो जैसे पता चलेगा कि ये है, पहुंच जाओ उसके पास। तो अब जिसने आशीर्वाद दिया या जिसने आपका फायदा किया उसके ऊपर है। उसने बात सुनी आपकी, उसने कहा कि परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, तेरा भी कल्याण करे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है, कोई बोझ नहीं। अंतर समझ रहे हैं ना, कि उसके ऊपर है जिसको लूटने के लिए कोई गया है, वो चाहे तो कोई लूट नहीं सकता है। बात सुनी, जैसे मैंने कहा शीशे की तरह बात सुनी, उनकी बात सुनी, उनकी बात सुन के उनकी बात का समाधान किया, अपने आप को निर्लेप रखा, अपने आप को उनकी समस्याओं में नहीं उलझाया है, बाहर बैठा है तो बच गया, अंदर घुस गया तो लूट गया। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी भजनानंदी जीव है, अगर कोई आदमी आता है, उनकी कोई समस्या है, उसकी समस्या को सुनो, उससे बाहर निकल जाओ, जो आपको ठीक लगता है अपने हिसाब से समाधान दे दो, उसमें उलझो मत, उसको अपनी समस्या मत बनाओ। आपकी समस्या बन गई तो आप उसमें फंस गए, और जब उसमें फंस गए तो उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अगला प्रश्न जी, मैं हाजरी हर रोज नित नेम से लगा भजन की, सतगुरु की उनकी दया है, मेहर है,
और मैं हर रोज भजन में बैठ जाता हूं, लेकिन बनता कुछ नहीं। अब ये सवाल बहुत सारे लोगों का है कि नित नेम, वैसे तो यहां पर 70% वो हैं जो बिना नित नेम वाले हैं, 70% हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो माफ करना, नित नेम वाला कोई नहीं है, 30% लोग हैं जो नित नेम से बैठे। जैसे आज विजय भाई ने मौन साधना कराई सबसे, महाराज जयमल सिंह जी के जीवन की घटना, उनके जीवन की। व्यास अब तो बहुत बड़ा है, उस टाइम एक कुटिया हुआ करती थी, जयमल सिंह जी ने कुटिया डाली भजन करने के लिए, तो वो वहां भजन में बैठा करते थे। तो वहीं से पास से, उनकी कुटिया के पास से आसपास के गांव के लोग गुजरते थे। लोग पहले तो ऐसे था, छोटा मोटा काम था, कोई खेती करता है, कोई मजदूरी करता है, बोले यार इस बाबा के मजे हैं, उलोथी लगा के बैठा रहता, कुछ नहीं करता है। देखो हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, 3 दिन बोला। एक दिन बाबा जयमल सिंह जी बोलते हो भाई क्या करते हो, निका जी मजदूरी करते हैं। कितने पैसे मिलते हैं, निका जी 5 पैसे मिलते हैं पूरे दिन के। अच्छा एक काम करो, आज मेरे पास बैठ जाओ, यहाँ बैठे हैं ना, मैं भी पुलौथी लगा के बैठा हूँ, आप भी पुलौथी लगा के मेरे पास बैठ जाओ, शाम को पहने रख रहा हूँ तुम्हारे पास, शाम को जब उठो तो ये 5 5 पैसे हर एक के रखे हैं लेके चले जाना। बोले जी और क्या करना है, निका और कुछ नहीं करना, बस पुलौथी लगा के मेरे पास बैठ। बोले यार ये काम बड़ा आसान, अब बैठे पहले तो इधर देखते रहे, थोड़ी देर टांगे टूंगे बदली, फिर बोले यार इससे तो मजदूरी अच्छी थी, थका दिया इसने तो। विजय भाई ने और कुछ नहीं कहा, आज कहा सब मौन रखे। तो लोगों ने कहा चलो मौन रह लेंगे, भजन करना तो मुश्किल है, ये काम आसान है। तो जब आधा घंटा मौन का बीता, 1 घंटा, बोले यार इससे अच्छा तो भजन ही है, जाके बैठ जाते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत लोगों ने बहुत भजन किया आज बैठकर। क्यों पंडित भाई, कोई कमरे में बैठ के कर रहा है, कोई गुफा में बैठ के कर रहा है, बोले यार इस मौन से तो भजन ही अच्छा है। तो विजय भाई ने मौन के सारे लोगों को भजन में लगा दिया। तो जो भजन है, देखिए मैं नित नेम से करता हूं, काम नहीं बनता। देखिए काम हमारा इसलिए नहीं बनता, जैसे पहले कहा मन अशांत रहता है। मन अशांत क्यों रहता है, मन संसार में दौड़ता फिरता है। किस चीज में दौड़ता फिरता है, किसकी परेशानियों में, अपनी परेशानियों में नहीं, हमें तो परमात्मा ने कोई भी परेशानी नहीं दी, फालतू की परेशानियों में, फालतू की। जैसे मैं पहले भी कहा भी हम कितनी देर होगी बैठे बैठे, मुझे बोलते भी 40 मिनट होने वाले हैं, 40 मिनट में थोड़ी देर के लिए संसार की परेशानियां बीच में याद आई, थोड़ी देर के लिए बीच में आती हैं, क्योंकि मन तो हमारा ऐसा है बड़ी दूर दूर तक दौड़ लगाता है, बाकी टाइम तो आराम से बीत रहा है भाई या नहीं बीत रहा है, परेशानियां होते हुए भी टाइम ठीक से बीत रहा है। इसका मतलब अगर जीवन में हर रोज वो रहे तो भी संभावना है कि मेरा जीवन आराम से बीते। अगर मेरा जीवन आराम से बीतेगा फिर मन अशांत क्यों रहेगा जी, अशांति खत्म। मन अशांत इसलिए है कि बेकार की परेशानियों को, बेकार की चीजों को, जहां मैं कुछ कर नहीं सकता हूं उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनकी चिंताएं करते रहते हैं। और चिंता चिता, कितना फर्क है दोनों में जी, गुलाब भाई एक बिंदी का। चिंता बहुत जल्दी चिता के पास लेके जाती। हमको क्या करना है, सत्संगी को संसार की चिंताओं में नहीं उलझना है, चाह गई चिंता में, चिंता आ गई यहां पर, कहा छोड़ दो चिंता अपने आप मिट जाएगी। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही सहनसा। जब तक हमको चाहिए तो परेशानियां पैदा होती रही, कैसे पाऊं, क्या करूं, क्या जुगाड़ लगाऊं,
इसकी सिफारिश लगवाऊं, कैसे इसको ले लूं, क्यों मन में चाहना है? मन में किस चीज की चाह होनी चाहिए? केवल परमात्मा से परमात्मा को पाने की चाह होनी चाहिए। नहीं चाह मुझको तेरे मालो घर की, मुझे चाह तेरे निज घर की। मेरे मन में चाह केवल तेरे निज घर, सचखंड इस आवागमन से बचने की, काल की नगरी से निकलने की, सुख दुख के धाम से बाहर निकलने की है। बस मैं सतगुरु, हे परम पिता परमात्मा, हे सच्चे पिता सतपुरुष, मैं तेरे पास पहुंचना चाहता। तो जब मैंने संसार की चिंताएं छोड़ दी तो मन कैसा हो जाएगा? मन अपने आप शांत हो जाएगा। और जब मन शांत होगा तो भजन अपने आप बनेगा। तो भजन ना बनने का कारण मेरा अपने आप को संसार की चीजों में उलझाना है। तो मैं क्या करूं? फजूल की, संसार की तो चिंताओं को छोड़ दो। मैं कहता हूं कि एक काम करो, कम से वो चिंता कर लो जिस काम को आप कर सकते हो। क्या मैं सुबह उठना है, मुझे 6 बजे उठना है, इस बात की चिंता कर लूं कि मैं उठ सकता हूं 6 बजे। इस बार मोदी जी आ जाएं, राजीव गांधी उस राहुल गांधी हट जाए, क्या करूं? इस चिंता को छोड़ दो। क्रिकेट मैच चल रहा है, भारत जीत जाए, या तो वहां जाके खेल लो या उस चिंता को छोड़ दो। तो वो चिंताएं करो जहां कुछ आप कर सकते हो। जो नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, उनसे अपने आप को मत उलझाओ। तो फिर देखोगे सारे दिन हम फजूल की चीजों में उलझे हुए, किसी का झगड़ा, किसी का टंटा, तू कौन जो का मैं काम था, ऐसी हमारी हालत है। इसलिए हमारा भजन सिमरन नहीं बनता है। चीजें वही रहने वाली हैं, अपने आप को बदलो। इसे कहता हूं सत्संग में जब आप आए हो तो ये कई बार लोग क्या क्या करते हैं जी, सास अपनी बहू को लेके आएगी, बहू अपनी सास को लेके आएगी, चल डेरे में सत्संग सुनना। फिर बोले देख कहा ना उन्होंने कि ठीक कर अपने आप को। किसको ठीक कर रही है? जिसको लेके आई, अपने आप को नहीं। अभी भी ध्यान ये है, ये बात सुन के ये बदल जाए, कोई लाभ नहीं होने वाला। किसको बदलो? अपने आप को। मैं कहाँ गलत हूं, मैं कहाँ अपने आप को ठीक कर सकता हूं? तो यहां बैठ के सत्संग सुन के उसका लाभ मिलेगा। पत्नी को बदल दूं, पत्नी सोच रही है, पति को बदल दूं, बच्चे बाप को बदल लें। लोग ये भूल जाते हैं, अगर बदलाव हो सकता है, जितनी कम उम्र है उतना ज्यादा बदलाव होने की संभावना है। 40 साल का आदमी शायद बदल जाए, 60 साल का आदमी तो बदलना ही मुश्किल है, और जो 80 के हो गए ना के बराबर। इसलिए बोलते हैं कि भजन सिमरन की आदत, नाम जपने की आदत जितनी जल्दी डाल लोगे उतना अच्छा है। अगर जल्दी डाल दी फिर तो ये होगा, दुनिया के काम करना पीछे जाप चलता रहेगा। तो जब जाप चल रहा है, मन में सतगुरु याद है, मन में परमात्मा याद है, तो जो मैं का भाव है कर्म करते हुए वो भी समाप्त हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं किसने किया जी, तो महाराज जी ने किया, गुरु जी ने किया। ये बात जब मन में बैठ गई, मन से निकले, कहने के लिए नहीं, जब मन से निकले कि जो कुछ हो रहा है उसके प्रताप से, उसके कहने से, उसके अनुसार हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। वो चाहता तो ये कर देता, ये चाहता तो कुछ भी कर देता, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ उसका है। तो मैं कर्मों के बंधन से भी आजाद हो गया। और जब मेरे पास संसार की चीज कुछ बची नहीं तो मन तो अपने आप शांत होना है, फिर भजन के लिए सोचने की जरूरत नहीं। पर इस सवाल में एक चीज बड़ी अच्छी है कि मैं नित्य नेम से सिमरन करता हूं, ये मैं कर सकता हूं। तो अपना काम कर रहे हैं हम लोग, ये काम करना शुरू कर दिया। अब मन को निर्मल करो तो दोनों चीजों से सारे काम हल हो जाएंगे। तो जो कर सकते हो उसको करने का प्रयास हमें करना है, अपने आप को बदलने का प्रयास करना है। अगला प्रश्न भाई।
विजय भाई आपने कई प्रश्न लिखे थे, सोच के कि 45 मिनट तो पूरे करने ही है सत्संग, जिससे मैं पूछ ना सकूं किसी से। विजय भाई भी ख्याल रखते हैं कि पूरा आप लोगों का। ये प्रश्न है कि मुझे पता है नफरत, चिंता, चुगली, द्वेष, ये सब करना दूसरों के कर्मों को उठाने के लिए है। अगर मैं किसी की चर्चा चुगली में उलझता हूं, इसका सीधा अर्थ है कि मैं दूसरों के कर्मों को अपने सिर पर रख रहा हूं। ये बात तो मुझे पता है, ठीक है। अब अगली लाइन से पता चलेगा कि उसको पता है या नहीं पता है, पर फिर भी हो ही जाता है। अगर हो जाता है इसका मतलब पता नहीं है, इसका मतलब पता नहीं है। सुनी सुनाई बात है, अगर पता होता तो फिर होता नहीं, अगर होता तो बहुत जल्दी जाग भी जाते, ठीक है। इससे छुटकारा कैसे पाऊं? इससे छुटकारा पाने का एक तरीका है, इसको पता कर लो। ये मत बोलो कि मुझे पता है। किसी की चर्चा, देखिए एक चीज है, हम सबको पता है कि हमारा टाइम इस दुनिया में कैसा है जी, अनंत टाइम है हमारे पास, थोड़ा सा है। और जो बुजुर्ग हो गए, जैसे दीदी होगी, हम हो गए, अब तो हमको पता ही है, तब निकल गया, पता नहीं कुछ बचा है नहीं बचा। और कल तो हम छोटे थे, हमें याद है दीदी की साइकिल उठ गई थी, अभी भी याद है, जब छोटी सी उनकी साइकिल है कक्करगंज से उठ गई थी, कल की तो बात है ना जी। हाँ, कहता हूँ, हाँ, कह तो कल की बात ना। भले उसको 60 साल बीत गए, टाइम ऐसे निकल जाता है। हमें देख के, मैं जब बात कर रहा हूं तो जो यहाँ 40 साल के बैठे होंगे सोच रहे हो अभी तो 25 साल हैं 65 तक जाने में, हमें तो बहुत टाइम, पर ये 25 साल भी ऐसे निकलेंगे पता नहीं चलेगा। वो तो एक दिन चार भाई कंधे पे रख के चल पड़ेंगे और मैं बैठा हुआ देख रहा हूं। जिन लोगों के, देखिए जो गया वापस नहीं आया, उसने क्या अनुभव किया पता नहीं, पर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ वो जाते जाते वापस आ गए। हमारे डेल में भी केस है, एक बहन का गई वापस आ गई, टाइम नहीं आया जी मेरा, तो ऐसा कईयों के साथ हुआ। उन्होंने देखा शरीर पड़ा है और मैं उसको देख रहा हूं, कर कुछ नहीं सकता हूं। तो जब चार भाई लेके चलेंगे तब पता चलेगा सारा जीवन बेकार में खो दिया। उस टाइम कहते हैं अगर पहले पता होता ना तो मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। तो ऐसे ही इसका है, अगर मुझे पता है कि द्वेष करने से, किसी की नफरत करने से, निंदा करने से, चुगली करने से मैं उसके खोटे कर्मों में हिस्सेदार बन रहा हूं, तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? समय मेरे पास सीमित है, जैसे मैंने पहले बताया, और इस समय का सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना, इसको बेकार में खोना, इसका लाभ उठाना किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। अगर मेरे हाथ में है और मुझे पता है कि मुझे इस समय का सदुपयोग करना है, तो फिर मैं चट्टा चुगली में क्यों उलझ रहा हूं? देखिए ये जो ठग है, जैसे मैंने पहले बताया, इस दुनिया में हमको उसे बताते हैं ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ठग हैं जो हमें लूटने के लिए हमारे साथ लगे। ठग किसको बोलते हैं, किसको लूटते हैं जी ठग? जिसके पास कुछ माल होता है, ठीक है। वो कितनी देर लगती है ठगों को लूटने में? चुटकी भर का टाइम। और उस पैसे को कमाने में जिंदगी बीत जाती है, नहीं कितना टाइम लगता है। तो अगर मुझे पता है कि मैंने 1 साल की मेहनत की और एक ठगा के 1 मिनट में लेके इसको चला जाएगा, तो मैं अपनी कमाई हुई चीज को सुरक्षित रखूंगा। कैसे सुरक्षित रखना है मुझे ध्यान रखना है, तालों में रखना है, कैसे रखना है? ऐसे ही निंदा चुगली ठग किसके लिए आए? मुझे लूटने के लिए।
अगर मुझे पता है तो मैं अपनी सुरक्षा करूंगा इनसे या उनके साथ दोस्ती करूंगा मैं? अगर दोस्ती कर रहा हूं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जब हम कहते हैं कि मुझे पता है, अगर मैंने जीवन में धारण कर लिया तो पता है, और अगर धारण नहीं किया फिर पता नहीं, फिर तो खाली कहने की बात है। इस बात को अपने जीवन में धारण कर लो कि निंदा चर्चा चुगली सिवाय आपको नुकसान पहुंचाने के, आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी, दोनों जगह आपको नुकसान पहुंचाते। अगर मैं किसी की चुगली करूंगा तो ये बात घूम के उसके पास जरूर पहुंचेगी जिसकी चुगली की है, इस संसार में वो मेरा दुश्मन बन के बैठ जाएगा। यहां भी नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान तो है। तो अगर मैं जानता हूं तो फिर मैं नहीं करूंगा। तो इसको समझ लो, इसको जान लो। जानना उसको बोलते हैं जो खुद किया, खुद का अनुभव, अपने अनुभव में उसको बैठा लो कि मुझे इन चीजों से परहेज करना है। एक चीज इनके बीच में सब जगह जुड़ी हुई है, क्योंकि बार बार सेवा की बात आ रही है। हम सेवा करते हैं मन को, मलिनता को दूर करने के लिए, मन पे चली हुई मैल को हटाने के लिए। धन पवित्र सेवा कितना होता है, मन पवित्र सेवा कितना होता है। तो सेवा ही मेरे मन को पवित्र करने की चीज है। पर इस बात को भी समझ लो, हम डेरे में आए, आपको कहा कि लंगर की सेवा करनी है, तो नहीं जी मैं तो झाड़ू लगाने की सेवा कर, वो सेवा कितनी मायने रखती है? लेखे में जाएगी गुलाब भाई, सेवा कौन सी? हुक्म की सेवा। हमारे सत्संग भी पक्के हैं भाई, वो कहते हैं एक बार बहुत पहले दिया था हुक्म, जब बाबा प्रेम सिंह जी महाराज थे तब उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि तू लंगर में बैठ के खाना बनाया कर। अब तुम कुछ ही बदलते रहो, मैं तो नहीं हटता यहां, मैं तो हुक्म मान रहा हूं। हुक्म कौन सा जी? बाबा प्रेम सिंह जी का या जो मौजूदा व्यवस्था है उसका? जो कहा जाए वो किया जाए, हुक्म की सेवा का लाभ है। मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं आता, मुझे हुक्म दिया तो जाके बैठ जाओ। हुक्म के बाहर चलोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहां लोग अपने अपनी सेवा पर अधिकार जमा के बैठ जाते, ये काम मेरा है, पहले मेरे परिवार से इस काम को करने वाले थे, या मुझे महाराज जी ने पहले बोल रखा था, राणा जी ने मुझे इस काम को करने के लिए बोला था। सेवा वो जो हुक्म की, ये कितना काम कर लो वो आपको लाभ नहीं पहुंचाएगी। जैसे पहले भी कहा ना कि सेवा बहुत करता हूं मन अशांत रहता है, सेवा जो हुक्म की उस पे ध्यान रखो। डेरे में बहुत सी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, बदलती रहेंगी, ये भी नहीं है कि जो व्यवस्था आज है वो आगे रहने वाली। जीवन में एक ही, इस संसार में एक ही चीज है जो सदा एक जैसी है, वो क्या है जी? बार बार परिवर्तन, बार बार बदलाव होना। बदलाव ही ऐसी चीज है जो सदा है, होनी है, होती रहेगी। हम भी बूढ़े हो गए, चले जाएंगे, दुनिया बदल रही है, सब चीज बदल रही है, तो सेवा भी बदलेगी, लगातार बदलेगी, अलग अलग कारणों से बदलेगी। कई बार डेरे की व्यवस्था डेरे की आवश्यकता के हिसाब से बदलेगी, और कई बार हमारी सफाई करने के लिए बदलेगी। महाराज जी देख रहे हैं कि ये सेवा अब इसको नुकसान दे रही है, इसको बदलना है, हटाना है यहां से, सेवा बदलेगी। ये बातें समझो, सेवा को अपने साथ चिपका के मत बैठो, जो भी सेवा दी जाए वो करनी है, कोई भी सेवा, और जो हुक्म दिया जाए
उसको मानना है। हमारी तो हालत मतलब कैसी है कि अगर ये हुक्म दे दिया कि भाई जब तक महाराज जी का भोग नहीं लगेगा कोई लंगर से खाना ना खाए। सबको पता है अगर पहले खाना खाएंगे सारी सेवा बेकार। सहारनपुर के पास एक पीरान कलियर की जगह है जी, पता नहीं कुछ लोगों ने सुन रखा है नहीं सुन रखा है, वहां बहुत बड़े एक पीर हुए हैं मुसलमान पीरान कलियर में, बाबा फरीद का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने जी। बाबा फरीद की बहन के लड़के थे जो पीरान कलियर के पीर थे जिनके नाम से वो पीरान है, उत्तम का नाम कलियर हो या पीरान हो। बाबा फरीद का तो आश्रम था, वहां पर लोग आते थे, लंगर चलते थे, कोई भी आके खाना खाता था। बहन की हालत कमजोर थी, वो पहले तो कमजोर हालत उसको बोलते थे, अच्छी हालत किसकी, जिसको रोटी मिल रही है। आज की तरह नहीं कि हमको बड़े से बड़ा मोबाइल चाहिए, बड़ी से बड़ी कार चाहिए, आज की रोटी सबको मिल रही है, पर पहले रोटी मिलना भी बहुत बड़ा काम था, रोटी मिस नसीब नहीं होती थी लोग को। तो वहां लंगर चल रहे हैं और बहन के घर में रोटी नहीं है, तो बहन ने क्या किया, अपने छोटे से बच्चे को लेकर के वहां पहुंच गई भाई के पास। भाई जी तो पता है घर में तो थोड़ी दानों की दिक्कत है, यहाँ तेरे पास इतने लोग हैं ये सेवा करता रहेगा तेरे पास। भाई ने बोला हाँ यहाँ तो बहुत जीव, ये भी लग जाएगा काम में। उसने उसको बुलाया, जा बेटे लंगर में सेवा कर। बच्चा जाके लंगर में सेवा करने लग गया। एक महीने के बाद बहन आई कि देखू मेरा बेटा कैसा है। आई देखती है, पहले बेचारा कमजोर सा था, घर में खाने को नहीं मिलता था, अब तो और सूख गया और पतला हो गया। भाई के पास गई, क्या हालत कर दी इसकी, बोली क्यों क्या हो गया, क्योंकि ये तो और कमजोर हो गया। मैं तो लंगर में भेजा था, लंगर में सेवा करने वास्ते बुलाया उसको, बेटे क्या बात है, तू तो लंगर में काम करता था जी। आपने काम करने को बोला था, खाना खाने को तो नहीं बोला था, जितना आपने बोला मैंने उतना काम, ये सेवा है। तो क्या आशीर्वाद दिया, बाबा फरीद ने अपने जैसा बना, क्यों हुक्म में चलता है, सेवा वो जो कही जाए, सेवा वो नहीं जो अब मेरा मन कहता है, जो मुझे बोला जाए वो करना सेवा है। मैं इसलिए चीज बार बार बोल रहा हूं, डेरे में आके दो काम करने हैं, एक सेवा करनी है, एक भजन स्मरण करना, इन दोनों की जुगत से मेरा काम बनेगा। तो दोनों की जुगत लगाने की व्यवस्था यहाँ डेरे में की जा रही है। तो यहाँ रहते हुए अपने मन को साफ करना है, गुरु के कहने में चलना है, जो क्योंकि गुरु को हम परमात्मा का रूप मानते हैं, तो जब गुरु के कहने में चलते हैं हम मानते हैं कि हम परमपिता परमात्मा के कहने में चल रहे हैं, तो काम बनेगा। कौन सा काम बनेगा, जो सुदेश बहन ने कहा कि यहाँ पर हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आए हैं, काल के नगरी से निकलकर, सुख दुख की नगरी से निकल करके परमपिता परमात्मा के पास मोक्ष पाने के लिए, उसके धाम में जाने के लिए आए। तो सबसे यही बेनती है कि जितना भी हो सके अपना समय डेरे में रहते हुए बातों में ना खराब करें, बहुत ज्यादा नींद में ना खराब करें, नींद तो आएगी क्योंकि शरीर थकता है, भजन सिमरन और सेवा में लगाएं। राधा स्वामी।